ये रहे पहले अपने इदरीस भाई। तो इदरीस भाई, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास नई बाइक आई, तो पहले बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपकी इस बाइक का? एक्सपीरियंस Hey, what's up, you lovely people? I hope आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे एंड अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो फॉर द न्यू फेसेस, दिस इज हाशिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आज का जो अपना वीडियो है वो होने वाला है बाइक मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो एक्चुअली इदरीस भाई जो है वो कल एक नई बाइक लेके आए हैं, तो कौन सी बाइक है वो आपको पहले वीडियो उसके लिए देखना पड़ेगा और आपको खुद पता चलेगा कि कौन सी बाइक लेके आए वो। तो अभी हम यहाँ से एक्चुअली श्रीनगर जाते हैं, तो कुछ मॉडिफिकेशन उनको बाइक पर करनी है। उनने बोला कि तुम्हें बाइक्स के बारे में बहुत पता है तो तुम साथ आओ। तो अभी इदरीस भाई एक्चुअली बाहर वेट ही कर रहे हैं, तो यहाँ से अभी वीडियो को करते हैं बंद और डायरेक्टली मिलते हैं आप सबसे बाइक पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, बहुत सारा कूल कंटेंट आने वाला है इस पे। तो मिलते हैं आप सबसे डायरेक्टली बाइक पे, बाय, सी या। तो ये रहे अपने इदरीस भाई, माशाल्लाह। तो अभी हम एक्चुअली रॉयल एनफील्ड शोरूम आए हैं, तो यहाँ पे कुछ बाइक्स अवेलेबल थी, तो सोचा आपको एक बार दिखाता चलूँ कि कौन कौन सी बाइक्स हैं इनके पास अभी अवेलेबल। तो दिस इज़ द न्यू बेबी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो बहुत ही अच्छे कलर्स की में आती है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे पिछली वाली 350 थी उसका क्या था, इतना मस्कुलर लुक नहीं था। इसका टायर भी आई गेस चेंज हुआ है, टायर साइज़ भी थोड़ा सा चेंज हुआ है इसका। तो यहाँ पे थोड़ी सी अभी कुछ एक दो चीज़ें लेनी है इदरीस भाई को और उसके बाद चलते हैं फिर आगे श्रीनगर के लिए। गाइज, अभी हम एक्चुअली श्रीनगर पहुँचने वाले हैं, तो इदरीस भाई थोड़ा सा थक गए, तो अभी मैं इस बाइक का मज़ा लेता हूँ और देखते हैं कैसी बाइक है। तो बाकी कैसी लगी इदरीस भाई को ये बाइक, वो सारा श्रीनगर जाके डिस्कस होगा, बट अभी फिलहाल मैं बाइक के मज़े ले लेता हूँ और आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अभी हम मॉडिफिकेशन की शॉप पे पहुँचे हैं एंड अभी भैया नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो वो 5-10 मिनट में यहाँ से वापस आएंगे। तो तब तक मैंने सोचा कि अपना जो राइड एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ कि कैसा लगा मेरे को। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है इसमें। तो सीट्स जो है, एज़ कम्पेयर टू मैंने 390 एडवेंचर चलाई है, एक्चुअली इसी के साथ उसका कंपैरिजन हो पाएगा। तो उसकी सीट्स जो है वो ऑन द स्टिफ साइड होती है एंड इसकी बहुत ही ज़्यादा जैसे जेल सीट्स, इसको प्री इंस्टॉल्ड है इसमें। तो बहुत ही मज़ा आया बाइक चलाने में। अभी इदरीस भाई से थोड़े से रिव्यूज़ लेते हैं, उसने मेरे से ज़्यादा ही ये बाइक चलाई है। एक्चुअली कल पहुँची थी उसके पास, तो 30-40 किलोमीटर वो ऑलरेडी चला चुके हैं इसको, तो उससे भी एक बार ये रिव्यूज़ ले लेते हैं कि कैसी लगी इसको। ये रहे पहले अपने इदरीस भाई। तो इदरीस भाई, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास नई बाइक आई, तो पहले बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपकी इस बाइक का? एक्सपीरियंस यहाँ था, एक्सपीरियंस लेवल लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो जब ये चला था ना, लेवल ही अलग था। एग्जैक्टली। तो अभी तो इसकी मॉडिफिकेशन होंगी वो अल्टीमेट आए हैं, मॉडिफिकेशन जितना हो सकता है उतना मॉडिफाई करेंगे। एक्चुअली इससे पहले लीगल मॉडिफिकेशन 30,000 आई गेस आप ऑलरेडी इस पे लगा चुके हो मॉडिफिकेशन पे, राइट? 30 से ज़्यादा ही, मतलब अभी ऐसा समझिए आप 3 लाख शोरूम से ही निकली है, शोरूम कस्टमाइजेशन, मतलब जो अपनी कस्टमाइजेशन है। तो अभी इस पे हम जो जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो सब आपको दिखाएंगे, कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस इस पे होंगी, इसकी प्राइस क्या होगी, सारा कुछ। तो अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ ऊपर ऊपर से कि इदरीस भाई ने अभी क्या क्या मॉडिफिकेशंस इस पे की हुई है। तो एक तो ये साइड पाइनियर्स इस पे 2 लगे हुए हैं, ये हो गया टॉप बॉक्स कैरियर जो इस पे लगा हुआ है, तो साइड पाइनियर के, और ये इस पे टैंक बैग 1 लगा हुआ है। तो अपने को क्या क्या लगाना है इस पे, एक तो जेरी कैंस लगाने हैं सामने, और हो गया टॉप बॉक्स लगाना है इस पे, और रेडिएटर गार्ड लगाना है इस पे, और फिर हो गया हेडलाइट प्रोटेक्टर लगाना है इस पे, इंडिकेटर प्रोटेक्टर्स लगाने हैं इस पे, और भी बहुत सारी चीज़ें लगानी है इस पे। तो देखते हैं और क्या क्या मिलेगा इसका, यहाँ पे इक्विपमेंट्स क्या क्या मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें फ़िट करेंगे, तो वो उसका पूरा आपको दिखाएंगे डिटेल में कि क्या क्या लगेगा इस पे। अभी तो सबसे पहले इस पे रेडिएटर गार्ड फिट हो रहा है, रेडिएटर इसको कहते हैं, ये रेडिएटर होता है और यहाँ पे इसका ये गार्ड लगता है, ये हिमालयन का ओरिजिनल आता है। तो इनकी रेट्स हम लास्ट पे सारा कुछ डिस्क्लोज करेंगे कि कितनी रेट्स इसकी क्या मिलती है, फिलहाल सारा कुछ पहले आपको फिटिंग में दिखा देते हैं। तो इसका मैं लास्ट पे वॉइस ओवर डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वॉइस क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं आएगी, तो आपको बस दिखा देता हूँ कि कैसे फ़िट किया जाता है ये। तो ऐसे रेडिएटर गार्ड फिट होता है,
तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो ऑफ रोड बाइक्स होती है इनमें ये वाली चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें पत्थर वत्थर अगर रेडिएटर में लगेगा तो रेडिएटर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ये रेडिएटर गार्ड सबसे पहले इसमें लगाएंगे। तो अभी इसमें डिस्क कैप डाल रहे हैं हम, तो ये भी ओरिजिनल हिमालयन का ही है। तो एक्चुअली इससे बस लुक्स आते हैं इस पर, जो इसमें ब्रेक फ्लूड होता है, इस टैंक में ब्रेक फ्लूड होता है, तो लुक्स बहुत अच्छे आते हैं इससे। और अभी यहाँ से क्रैश गार्ड लग रहे हैं इस पर। तो ये कौन सी कंपनी के है, क्या है, वो लास्ट पे सारा कुछ आपको बता देंगे कि कहाँ पे कितना क्या प्राइस है भैया, पूरा बताएंगे इसका। तो अभी इसमें क्रैश गार्ड फिट हो रहे हैं। और ये है मास्टर सिलेंडर गार्ड, तो ये पीछे मास्टर सिलेंडर होता है, तो इसको बहुत ही आई गेस ये सबसे यूज़फुल चीज़ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बाइक मॉडिफिकेशन इज़ दिस। तो दिस इज़ मास्टर सिलेंडर गार्ड। तो अभी लेग गार्ड यहाँ पे एक्चुअली टाइम ले रहे थोड़ा सा फिक्स होने में, क्योंकि इसके लेग गार्ड के लिए आपको ये बाहर पहले निकालने पड़ते हैं और उसके बाद आप लेग गार्ड लगा सकते हो, या क्रैश गार्ड इसे कहते हैं वो लगा सकते हो। तो जब तक बाइक में मॉडिफिकेशन चल रही है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। तो ये हो गई सारी हेडलाइट्स, जो बुलेट, रॉयल एनफील्ड, ये आपको वहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो। तो बहुत ही यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ हेडलाइट्स मिलेंगी आपको। तो ये हो गई प्रॉपर गियर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इद्रीस भाई वो वाला एग्जॉस्ट यहाँ पे ढूंढने कह रहे, मतलब जो अच्छा सा लाउड हो और बेसी साउंड इसका हो। तो वहाँ पे सारे एग्जॉस्ट के जो मफलर गार्ड, एक्चुअली मफलर है, ये मफलर है, जो पूरी लाइनअप लगी हुई है मफलर्स की, वो लगी हुई है यहाँ पे, ये जुड़ वो। तो वो हो गए लेग गार्ड्स, एंड आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये रॉयल एनफील्ड का जो बैग होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स आप रखते हो, ये डॉक्यूमेंट बैग हो गया उसका। तो ये है एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट। तो ये है सबसे महंगी हेडलाइट जो इस पर फिट होती है। तो इद्रीस भाई ने ये वाली चूज़ की, ये HJG की हेडलाइट है, तो बहुत ही सही हेडलाइट है ये। वो तो अभी लगाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी हेडलाइट है, बट लुक वाइज ये बहुत ही सही लग रही है हेडलाइट। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हेडलाइट चेंज करने का, जो मैंने अभी आपको अंदर दिखाया हेडलाइट चेंज करना है। तो एक्चुअली इस बाइक का जो BS6 होता है उसमें क्या होता है, जब आप ये हेडलाइट चेंज करते हो आपको टैंक गार्ड, वहाँ से टैंक भी निकालनी पड़ती है और उसके नीचे से एक कनेक्शंस लेने पड़ते हैं और उसके फिर आपको हेडलाइट फिट करनी पड़ती है। तो बहुत ही अच्छी लगेगी एक्चुअली वो हेडलाइट, बहुत ही सुंदर है देखने में। तो वो अभी फिक्स होगी यहाँ पे, और हज़ार लाइट्स भी इन्होंने लगाई, चेंज करनी है हज़ार लाइट्स, ये LED लगेंगे इंडिकेटर्स पूरे यहाँ पे। अभी बाइक की हालत कुछ इस तरह की है। तो एक्चुअली हेडलाइट तब से जुड़ा रहे, आई गेस इसको एक घंटा हो गया हेडलाइट लगाते हुए। और नया जो इसमें ऐड किया वो ये है फेस प्रोटेक्शन, और अभी नया जो इसमें लगाया वो हैजार्ड स्विच लगाया। तो दिस द हैजार्ड स्विच, एंड अभी हेडलाइट पे इसके बाद लगेगी। कुछ ऐसी लग रही है अपनी बाइक हैजार्ड स्विच के साथ, हेडलाइट के साथ, और जो ये नकल गार्ड लगे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर बाइक लग रही है। तो और इसमें क्या क्या, तो अभी एक्चुअली फाइनल यहाँ पे मॉडिफिकेशंस अपना हो गया। तो इसमें रेडिएटर गार्ड हमने लगाया है, पाइनियर्स लगे हैं इसमें, और इस साइड से आते हैं तो यहाँ पर मास्टर सिलेंडर गार्ड लगा है इस पर। और अभी एग्जॉस्ट शायद चेंज होना है, शायद अभी एग्जॉस्ट चेंज होगा, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट शायद अभी एग्जॉस्ट चेंज होगा। तो गाइस दिन के 1 बजे हम यहाँ पे आए थे और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो ऑलमोस्ट 6 घंटे से हम बाइक की मॉडिफिकेशंस करा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली बाइक पे फिट हो गई। तो रास्ते में कहीं पे रुकते हैं और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ इस पे फिट हुई है। तो पहले उससे पहले आपको ये बात बता दूँ कि अगर आपको बाइक की मॉडिफिकेशंस करनी है तो मैं इस शॉप की लिंक जो है, इस शॉप का एड्रेस जो है नीचे लिंक में दे दूँगा, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली आइए। और हमारी चैनल का अगर आप नाम बोलोगे तो आपको डिस्काउंट भी ज़रूर मिलेगा। तो अभी कहीं बाइक पर जाते हैं और कहीं रास्ते में बाकी चीज़ें सारी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बाइक पर लगी हुई हैं। तो गाइज अभी एक्चुअली इस वीडियो को बंद करने का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले इद्रीस भाई से जान लेते हैं कि उनकी लाइक फीलिंग्स कैसी है बाइक को मॉडिफाई करके और क्या क्या उन्होंने मॉडिफिकेशंस कराई है बाइक पे। तो इद्रीस भाई बताइए भाई अपनी जुबानी क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई आपने बाइक पे। ओके और दूसरा इसको ये जो ब्रेक होता है ना, डिस्क ब्रेक, इसका ये ग्रिल जिसमें ऑयल होता है, और
फोर्थ वन रेडिएटर, ये ना मास्टर सिलेंडर गार्ड चेंज हो गया। यहाँ से जी इसको एयर कूलर जो होता है ना, रेडिएटर गार्ड इसका चेंज हो गया, और वो आपने कल ही कराया था वो जो इसका पाइनियर्स। ओके, और ये टैंक बैग इन्होंने लगाया है। इंशाल्लाह इदरीस भाई अभी अपनी बहुत सारी ट्रिप्स आने वाली है। हाँ, अभी बहुत सारी और ट्रिप्स आने वाली है इंशाल्लाह ताला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइज अभी इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको किसी भी कारण से आज का वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं आप सबसे कुछ नए एडवेंचर्स के साथ कुछ नई बाइक्स पे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय एंड आई लव यू ऑल।